नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुदा बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह। जयपुर विकास प्राधिकरण के प्रवर्तन दस्ते द्वारा सोमवार को कार्रवाई करते हुए टोंक रोड के पास ग्राम वाटिका खानियों की ढाणी में करीब 8 बीघा निजी खातेदारी की भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयास को विफल किया गया। मुख्य नियंत्रण प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने बताया कि जोन 14 के क्षेत्राधिकार में टोंक रोड के पास आवासीय कॉलोनी बसाने के प्रयोजनार्थ बिना JDA की अनुमति और स्वीकृति के बनाए जा रहे मिट्टी की सड़कों पर अन्य अवैध निर्माणों को जोन 14 के राजस्व और तकनीकी स्टाफ की दिशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा JCB मशीन और मजदूरों की सहायता से ध्वस्त किया गया। कृषि भूमि का गैर कृषि उपयोग करने पर अवैध कॉलोनी विकसित किए जाने के कारण संबंधित निजी खातेदारों के विरुद्ध धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत कार्रवाई कर खातेदारी सरकार के नाम करने के संबंध में विधि सम्पन्न कार्रवाई करने के लिए जोन उपायुक्त जोन 14 को लिखा गया। अवैध कॉलोनी बसाने वाली सोसाइटी के विरुद्ध रजिस्ट्रार, सहकारिता विभाग और नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही हेतु लिखे जाने की कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है ताकि अवैध कॉलोनी बसाने के प्रयासों को रोका जा सके। उक्त कार्रवाई प्रवर्तन अधिकारी जोन 14-11 प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ता लेबर गार्ड जोन में पदस्थापित राजस्व तकनीकी स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा संपादित की गई। उन्होंने बताया कि जोन 3 में भौरा जी का बाग भूखंड संख्या 5A के मालिक द्वारा रोड सीमा पर अतिक्रमण कर अवैध रूप से गेट लगा लिया गया था, जिसे जोन 3 के राजस्व स्टाफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा JCB मशीन और मजदूरों की सहायता से हटाया गया। जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा टोंक रोड पर बीलवा में स्थापित राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्था परिसर में COVID-19 से प्रभावित के लिए तैयार कोविड केयर सेंटर का सोमवार को माननीय डॉक्टर वहीर जोशी मुख्य सचेतक राजस्थान सरकार द्वारा दौरा किया गया। दौरे के दौरान उन्होंने राधा स्वामी सत्संग व्यास संस्थान परिसर टोंक रोड पर तैयार केयर सेंटर की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया। उन्होंने JDA द्वारा तैयार किए गए अद्भुत कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं को देखकर खुशी जाहिर की और कोविड सेंटर को तैयार करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहां आने वाले हर COVID-19 मरीजों को अत्याधुनिक सुविधाएं मिल सकेगी। महेश जोशी ने राधा स्वामी सत्संग स्थल में लंगर स्थल में भोजन तैयार करने की प्रक्रिया का भी जायजा लिया। सत्संग स्थल स्थित शेड में बेड, दवा भंडार और प्रयोगशाला को भी देखा और कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं को अंतिम रूप देने के लिए JDA अफसरों, मेडिकल स्टाफ और सत्संग भवन के संचालकों से वार्ता की। ACMHO की मांग पर डॉक्टर जोशी ने फ्रिज इत्यादि खरीदने के लिए तत्काल 1 लाख नकद की व्यवस्था की। डॉक्टर जोशी ने आवश्यकता अनुसार 2 करोड़ की राशि खुद के विधायक कोष से देने की पेशकश भी की। साथ ही कोविड केयर सेंटर में मरीजों के लिए फ्री वाईफाई एवं ऑक्सीजन उपकरण खरीदने के लिए यथासंभव राशि उपलब्ध करवाने का भी आश्वासन दिया। साथ ही प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोविड केसेस के मद्देनजर डॉक्टर जोशी ने सेंटर को जल्द से जल्द शुरू करने को कहा। वहीं सोमवार को JDA द्वारा तैयार किए गए कोविड केयर सेंटर का माननीय परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सांसद रामचरण बोहरा ने भी जायजा लिया। कोविड सेंटर की व्यवस्थाओं को देखकर खुशी जाहिर की और कोविड सेंटर को तैयार करने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं दी। नगर निगम जयपुर हेरिटेज द्वारा आमजन को कोरोना के प्रति जागरूक करने के लिए अभिनव पहल की गई। निगम क्षेत्र की कच्ची बस्तियों में NULM और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से दीवारों पर कोरोना जागरूकता का संदेश देने वाली आकर्षक पेंटिंग बनाई गई। आयुक्त अवधेश मीना ने बताया कि वाटर फॉर वुमेन और ऑस्ट्रेलियन सरकार के सहयोग से काम करने वाले संस्था सेंटर फॉर एडवोकेसी एंड रिसर्च के सहयोग से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वार्ड नंबर 84 और 78 में ट्रांसपोर्ट नगर, नागतलाई एवं पर्वत कॉलोनी में कोरोना जागरूकता का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग बनाई गई। इन पेंटिंग्स में विभिन्न चित्रों के माध्यम से मास्क और सामाजिक दूरी की अनिवार्यता का संदेश दिया गया। इसके साथ ही टीकाकरण करवाने का संदेश देने वाली वॉल पेंटिंग भी महिलाओं द्वारा बनाई गई। इस दौरान स्वयं सहायता समूह की महिलाओं एवं निगम अधिकारियों द्वारा मास्क का वितरण भी किया गया। इस दौरान उपायुक्त आशीष कुमार, उपायुक्त NULI अनिता मित्तल और NGO के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। नगर निगम ग्रेटर और हेरिटेज द्वारा कोविड गाइडलाइन और कर्फ्यू की अवहेलना करने वालों पर लगातार सख्ती कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को मालवीय नगर जोन में शिव निवास मैरिज गार्डन को सीज किया गया। उपायुक्त सुरेश चौधरी ने बताया कि मैरिज गार्डन में रविवार को आयोजित विवाह कार्यक्रम में 50 से ज्यादा लोग उपस्थित रहे थे। मैरिज गार्डन संचालक द्वारा जुर्माना नहीं अदा करने पर मैरिज गार्डन को सीज कर दिया गया। राजस्व अधिकारी दीपिका गजराज एवं सतर्कता शाखा की टीम ने सोमवार को सांगानेर क्षेत्र में आयोजित विवाह समारोह का निरीक्षण किया। इस दौरान 3 मैरिज गार्डन में कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन मिलने पर ₹35,000 जुर्माना वसूला गया। सांगानेर के गुलाब विहार मैरिज गार्डन और इंद्रप्रस्थ मैरिज गार्डन से ₹5,000 और
एमलर्ड मैरिज गार्डन से 25,000 रुपए जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार हेरिटेज निगम के सिविल लाइन जोन में कर्फ्यू नियमों की अवहेलना करने पर गुर्जर की थड़ी स्थित गणेश तेल धानी शिव ट्रेंड चंबा नगर और आजाद मार्ग स्कीम मियाँ जी की बिरयानी प्रतिष्ठानों को सीज किया गया और 5,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार किशनपोल जोन में उपायुक्त सोना राम चौधरी के नेतृत्व में टीम ने कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं करने पर पोलो फैक्ट्री के पास स्थित ढाबे को सीज किया और 15,800 रुपए का जुर्माना वसूला। इसी प्रकार आदर्श नगर जोन में स्वास्तिक पवित्र भोजनालय बर्फखाना एवं नागेश्वर सन ऑफ रामेश्वर फास्ट फूड को सीज किया गया। हवा महल आमिर जोन से सीताराम बाजार ब्रह्मपुरी स्थित फैक्ट्री आउटलेट और जनता बाजार स्थित एक प्रतिष्ठान को सीज किया गया। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों से 6,900 रुपए का जुर्माना भी वसूला गया। इसी प्रकार नगर निगम जयपुर हेरिटेज की सतर्कता शाखा द्वारा कोविड गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले 59 व्यक्तियों का चालान कर 17,100 रुपए का जुर्माना वसूला गया। इसी प्रकार नगर निगम ग्रेटर में सतर्कता शाखा द्वारा 4,500 रुपए का जुर्माना वसूला गया। स्थानीय सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार सुबह सूर्य नगरी पहुंचे और एम्स माथुरा दास माथुर अस्पताल कोविड वार्ड और महात्मा गांधी अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन समेत दूसरे संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाएगी। मेरा हर संभव प्रयास है कि चिकित्सा सुविधाओं में कोई कमी ना आए। सभी जरूरतों को प्रथम प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री शेखावत ने अस्पताल प्रभारियों से संक्रमितों के समुचित उपचार और संक्रमण रोकने के उपायों पर विस्तृत चर्चा की। तीनों अस्पतालों में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने प्रभारियों से कहा कि संक्रमण की दूसरी लहर से लोग चिंतित हैं, हमारी प्राथमिकता लोगों की जान बचाना है, इसके लिए जो भी जरूरत होगी उसे पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। शेखावत ने एम्स के निदेशक डॉक्टर संजीव मिश्रा की मौजूदगी में अस्पताल के चिकित्सकों और अधिकारियों से कोविड की व्यवस्था विशेषकर आईसीयू बेड्स की स्थिति पर फीडबैक दिया। माथुरा दास माथुर अस्पताल की जनता वार्ड में बनाए गए कोविड वार्ड में अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर एम के आसेरी ने अस्पताल में भर्ती संक्रमित मरीजों की स्थिति और व्यवस्थाओं से अवगत कराया। महात्मा गांधी अस्पताल में अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बोहरा ने केंद्रीय मंत्री शेखावत से संक्रमित मरीजों की स्थिति आईसीयू वार्ड और ऑक्सीजन की उपलब्धता को लेकर जानकारी ली। मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर एम एस राठौड़ ने तीनों अस्पताल और संबंध अस्पतालों में चिकित्सा सुविधा व्यवस्था के विषय पर विस्तार से चर्चा की। मंत्री शेखावत ने तत्काल कुछ भामाशाहों से फोन पर बात की और प्राचार्य डॉक्टर राठौड़ को कहा कि प्रस्ताव बनाकर भेजकर हम समाज सेवी संस्थाओं और भामाशाहों के सहयोग से सभी व्यवस्थाएं करेंगे। उन्होंने कहा कि जहां जो आवश्यकता है उसे पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री के साथ जोधपुर दक्षिण की महापौर वनीता सेठ, उप महापौर किशन लट्टा, अखिल भारतीय महेश्वरी समाज के राष्ट्रीय महासचिव संदीप काबरा, पार्षद नरेंद्र फीतानी भी थे। मथुरा दास माथुर अस्पताल में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने मिलकर मरीजों के परिजन भावुक हो गए। एक वृद्ध फूट फूट कर रोने लगी और शेखावत ने उसे गले लगाया और ढाढ़स बंधाया। मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स खुद को खतरे में डालकर लोगों का जीवन बचाने का काम कर रहे हैं। इन्हीं का मनोबल बढ़ाने के लिए मैं अस्पताल पहुंचा था। अस्पतालों की आवश्यकताओं को हम दानदाताओं के माध्यम और CSR के कैसे पूरा कर सकते हैं, इन सब विषयों पर एक बार सब डॉक्टरों से मिलकर जमीनी हालात पर जायजा लेने के लिए मुलाकात की है। कुछ विषय सामने आए हैं, अभी जिला प्रशासन से बातचीत करने का उसका निवारण किया जाएगा। चाकसू में विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने अपने सरकारी निवास पर वर्चुअल तरीके से प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और पत्रकारों से VC के माध्यम से मीटिंग कर चाकसू क्षेत्र के COVID-19 के हालातों की जानकारी ली और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वर्चुअल मीटिंग में विधायक सोलंकी ने उपखंड कार्यालय में एक नियंत्रण कक्ष स्थापित करने का जो भी 24 घंटे जनता की सेवा में खुला रहेगा। विधायक ने वैक्सीनेशन और RT-PCR की जांच में तेजी लाने के लिए एक ऑक्सीजन बैंक बनाने, सभी ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सैनिटाइजेशन कराने, मास्क वितरण करने, सरकार की चिरंजीवी योजनाओं का प्रचार प्रसार का अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का आह्वान किया और पानी बिजली से संबंधित समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को तत्काल समस्याओं का निस्तारण करने को निर्देशित किया। मीटिंग में उपखंड अधिकारी राजेश मीणा, तहसीलदार अजीत बुदेला, विकास अधिकारी किरण महेश्वरी, BCMHO डॉक्टर सौम्य पंडित, सैटेलाइट अस्पताल इंचार्ज ऋतु राज मीना, नगर पालिका अध्यक्ष कमलेश बैरवा, नगर पालिका CEO जितेंद्र मीना, कृषि मंडी अध्यक्ष हरि नारायण चौधरी, उपाध्यक्ष अवध शर्मा, AEN JVVNL के गुप्ता,
सहित कई कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गौरतलब है कि इससे पूर्व विधायक ने AICC के महासचिव अजय माखन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से VC के माध्यम से ली गई मीटिंग में अपने क्षेत्र में COVID-19 की स्थिति के बारे में अवगत कराया और अपने क्षेत्र को जनता को राहत देने के लिए आवश्यक कदम उठाने की मांग की। होर्डिंग्स एवं नीलामी समिति के चेयरमैन एवं वार्ड 64 पार्षद प्रवीण कुमार यादव ने आज पूरे वार्ड को कोरोना मुक्त बनाने की पहल में पूरे वार्ड को सैनिटाइज करवाया। इस अवसर पर जयपुर नगर निगम ग्रेटर के चेयरमैन प्रवीण यादव के साथ समुन्द्र सिंह, उदय सिंह, लोकेश, विजेंद्र राठौर, संदीप, महावीर सिंह, सैनी जैन चौहान और अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। चेयरमैन प्रवीण यादव ने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर पूरे देश में कोरोना जैसी महामारी को जड़ से मिटाने के उद्देश्य से स्वस्थ भारत के संकल्प में हम सबका योगदान जरूरी है। चेयरमैन मीना यादव ने आगे बताया कि इस तरीके से अभियान पूरे वार्ड में जारी रखेंगे और माननीय महापौर सौम्या गुर्जर जी के सहयोग से वार्ड नंबर 64 का कोई भी घर सैनिटाइजेशन और टीकाकरण से वंचित नहीं होगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।